हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम बीटा एंड गामा फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन करने वाले चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट जीरो टू इन्फिनिटी रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो ये क्या होता हमारा हम इसको स्टैंडर्ड फंक्शन से गामा के कंपेयर कर लेते और वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं लेकिन यहां पे क्या एक्स क्या एक्स स्क्वायर तो हम क्या करेंगे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स में कन्वर्ट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इजिक्स टू वाई हमने मान लिया एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है वाई के देन टू एक्स डी एक्स इजगस टू इक्वल आ जाएगा डी वाई के एंड यहाँ से इसकी डी एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी डी एक्स इजगस टू कितना आ डी वाई अपॉन टू एक्स ठीक है तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है डी वाई अपॉन टू एक्स और इसको कंप्लीटली वाई में चेंज करो टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से रूट वाई तो यहां पे वैल्यू बस लगा देनी है इसकी कितनी आ जाएगी अब यहां पे लिमिट देखो अगर एक्स की जगह जीरो तो वाई भी जीरो रहेगा और एक्स की जगह इंफिनिटी है तो वाई भी इंफिनिटी रहेगा यहाँ पे रूट एक्स की जगह कितना रखना हमें यहां पे देखो एक्स की यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर रूट एक्स की मैं वैल्यू निकालू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई की पावर वन बाई टू यहाँ से निकाल ली मैंने एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई की पावर वन बाई टू यहाँ पर लगा दी e की पावर माइनस एक्स जो स्क्वायर की जगह कितना वाई डी एक्स की जगह कितना ये सॉरी यहाँ पे डी वाई है डी वाई अपॉन टू रूट वाई इसको रीअरेंज कर लो जीरो टू इन्फिनी तो ये वन बाई टू को तो मैं बाहर ले ले, ले रहा हूँ इसका तो ये वाई की पावर हो जाएगा वन बाई फोर है ना ये वाई, वाई की पावर वन बाई फोर हो जाएगा ये वाई की पावर वन बाई टू नीचे से आया e की पावर माइनस वाई डी वाई यहाँ पर कितना बचा वाई की पावर कितना बचेगा ये इसको टू बाई फोर लिख लिया वाई की पावर माइनस वन बाई फोर एल्शियम लेने के बाद ठीक है ई e की पावर माइनस वाई डी वाई वन बाय टू जीरो टू इन्फिनिटी वन बाय फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ एन माइनस वन सॉरी यहाँ पे पहले वाई है एन माइनस वन के फॉर्म में लिखो इसको तो एन माइनस वन के लिए लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको मैं ऐसे लिख लिया यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो वन माइनस वन फोर एन कस टू कितना आ गया थ्री बाय फोर तो इसको मैं क्या लिख लूँगा थ्री बाई फोर माइनस वन माइनस वन बाई फोर को मैंने क्या लिख लिया थ्री बाई फोर माइनस वन ई की पावर माइनस वाई डी वाई अब मैं इसको गामा फंक्शन से कंपेयर करूँगा ठीक है क्या होती है गामा फंक्शन की जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स तो एन जो आया हमारा कितना आया थ्री बाई फोर वन बाई टू ये कितना आ गया थ्री बाय फोर आ गया तो गामा की वैल्यू आ गई गामा वन बाई टू गामा थ्री बाय फोर इस इसकी वैल्यू आ चुकी है इंटीगल की ठीक है इस इंटीगल की जो वैल्यू होगी कितनी होगी वन बाई टू गामा थ्री बाय फोर नेक्स्ट क्वेश्चन की किताब पढ़ते जीरो टू वन रूट एक्सी पावर थ्री माइनस वन माइनस एक्सी पावर थ्री अभी देखे इसको मैं कैसे लिखता हूं इसको पहले अलग अलग कर लो तो x की पावर थ्री के साथ रूट लिया तो वो आएगा x की पावर थ्री बाई टू वन माइनस एक्स का क्यूब के साथ रूट लूंगा तो ऊपर जा यहाँ पे रूट आएगा तो ऊपर जा पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगी ठीक है हमारा बीटा फंक्शन बन जाता अगर एक्स एक्स क्यूब की जगह केवल x होता ठीक है तो पहले एक्स क्यूब को हटाना हमें लेट एक्स क्यूब इजिकस टू वाई हमने मान लिया ठीक है तो एक्स इजिकस टू कितना हो जाएगा y की पावर वन वाई थ्री एंड डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई थ्री वाई की पावर माइनस टू बाई थ्री डी वाई ये वाली वैल्यू इसमें इंटीग्रल में, में उठा के लग दो अगर एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो रहा एक्स की जगह वन है वन का क्यूब यानी वाई भी वन रहा यहाँ पे देखा एक्स एक्स की ये वैल्यू कितनी है वाई की पावर वन बाई थ्री इन टू थ्री बाई थ्री ऊपर पावर ठीक है वन माइनस एक्स क्यूब की जगह हमें लगाना वाई की पावर वन बाई टू डी एक्स कितना आया वन बाई थ्री वाई की पावर माइनस टू बाई थ्री डी वाई तो ये कितना आ जाएगा सोल्व होकर जीरो टू वन वाई की पावर थ्री से थ्री कैंसिल वन बाई टू बचा वन बाई टू वन माइनस वाई की पावर माइनस वन बाई टू वन वाई थ्री वाई की पावर माइनस टू बाई थ्री डी वाई इसे वन बाई थ्री को बाहर ले लो जीरो टू वन वाई की पावर कितना हो जाएगा वाई की पावर वन वाई टू माइनस टू y थ्री वन माइनस वाई की पावर माइनस वन अपॉइंट टू डी वाई तो इसको इसका एल्सियम लेकर इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा जीरो टू वन वाई की पावर में ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर थ्री माइनस फोर यानी माइनस वन अपॉइंट सिक्स ठीक है वन माइनस वाई की पावर माइनस वन टू तो अब हमारे ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ चुका बस इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में बना दो y की पावर इसको मैं कितना लिखूं कि ये वन बाई फाइव बाई सिक्स माइनस वन लिख सकता हूं मैं इसको ठीक है माइनस वन बाई सिक्स को ऐसे यहां पे वन वन बाई टू क्या लिख सकता हूं मैं वन बाई टू माइनस वन डी वाई तो इसको अगर मैं बीटा फंक्शन से कंपेयर करता हूं क्या होता है बीटा फंक्शन जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वाई माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स उससे कंपेयर करके लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा बीटा फाइव बाई सिक्स एंड वन बाय टू तो ये वैल्यू आ चुकी है इसको अगर और ज्यादा सोल्व करना है तो इसको जो रिलेशन होता है बीटा और गामा में उससे सोल्व कर सकते हैं नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं इस, इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है यहीं पर छोड़ सकते हैं इससे याद करने की होती नहीं है ठीक है इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में